गुलहरिया थाना क्षेत्र में 11 वर्ष की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले एक वांछित अभियुक्त गोविंद को गुलहरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है तथा एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। आपको बता दें कि 12 सितंबर को अपने छत पर छोटी बहन के साथ सोई 11 वर्षीय बच्ची से गांव के दो लड़कों ने छत पर चढ़कर दुष्कर्म किया तथा छोटी बहन के जागने पर उसका मुंह दुपट्टे से बंद कर दिया और किसी को ना बताने की धमकी दिया। इसकी जानकारी जब पिता को हुई तो उन्होंने गुलहरिया थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि गुलहरिया थाने पर सोमवार को एक व्यक्ति द्वारा सूचना मिली कि उसके बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है। बच्चे के पिता के तहरीर के आधार पर गुलहरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि सीओ चौरी चौरा के नेतृत्व में अनिवांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। जल्द ही वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं इस संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, सोमवार को दोपहर में घटना की सूचना प्राप्त हुई एवं तत्काल टीम गठित करके एक नामजद अभियुक्त गोविंद को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा वांछित दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, कल 2:30 बजे इस घटना की सूचना थाने पर प्राप्त हुई, तत्काल टीम गठित करके और गिरफ्तारी के लिए लगाया गया, जिसमें एक अभियुक्त गोविंद को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि मुख्य अभियुक्त था। एक दूसरा अभियुक्त है जो कि दिल्ली भाग जाने की सूचना है, उस पर लोग लगे हुए हैं, टीम लगी हुई है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गुलहरिया थाने पर एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उनकी बच्ची के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया है। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और एक नामजद अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें आगे महिला क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 3 पुलिस टीमें बनाई गई है जो कि पूर्ण कार्यवाही करवा कर जो अन्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी करेगी।